अपने इलाके से खास वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक क्लिक कीजिए। विद्यालय उसरा डेरा में हूँ। यहाँ क्या है, प्राथमिक विद्यालय स्कूल 3 साल से जर्जर पूरी तरह से हो चुका है और यहाँ के मास्टर अपना जान लगाकर और बच्चों को पढ़ाई कर रहे हैं खुले मैदान में। इन लोग 2 साल से बराबर सगले एप्लीकेशन दे चुके हैं DRC और हर एक जगह, अभी तक लोगों की सुनाई नहीं हुई है। इस विद्यालय की दिक्कत यह है कि यहाँ पे कुल 4 कमरे हैं और 2 कमरे तो बहुत अच्छी स्थिति में है, नए कमरे हैं, लेकिन 2 पुराने कमरे जो सामने दिखाई दे रहे हैं, 2 पुराने कमरे और साथ में कार्यालय भी है। ये थोड़ा पुराना विद्यालय है, ये पुरानी बिल्डिंग है, तो ये जो कमरे हैं काफी जर्जर स्थिति में है। इतनी ज्यादा जर्जर स्थिति में है कि शायद गिरने की स्थिति में है। पीछे दीवारें बिल्कुल फट चुकी हैं, छत अलग हो चुकी है और आर पार तक दिखाई दे रहा है। तो आप जब ये स्कूल में पढ़ाई करते हैं तो किस तरह का आपका डर बना रहता है? कि आवे ऊपर गिर ना जाए। तो कहाँ फिर पढ़ते हैं? कि आप दूसरे के कमरे में। अगर वो कमरा भर गया तो फिर आप कहाँ बैठते हैं? वो बरामदे में। तो किस तरह का डर बना रहता है? वो उसमें छत क्या पानी टपकता है, बारिश हो रही तो उसमें 2 रूम तो टूटे, पीछे वाले टूटे हैं, आगे वाले बोंदरे में दोनों रूम के बच्चे एक साथ पढ़ते तो शोर होता है दबा के, और एक साथ में पढ़ नहीं पाते, बराबर शोर होता है, मास्टर भी ज्यादा पढ़ाते नहीं। और ये है कि स्कूल बनना चाहिए। तो किस तरह का डर बना है? डर है कि मतलब वहाँ बरसात में तो वहाँ पढ़ाते हैं, भीतर नहीं बैठाते, वहाँ कहते गिर ना जाए, बाहर पढ़ाते हैं, कभी भीतर पढ़ाते हैं। तू क्या चाहती है स्कूल के बारे में? स्कूल के बारे में बनना चाहिए, अच्छे से अपना गांव का वो होना चाहिए, अब अच्छी तरह से बच्चे पढ़े हमारे। खुली बैठक होती है आपके गांव में? हाँ। कभी चर्चा हुई है स्कूल के बारे में? नहीं करते। बाउंड्री और विद्यालय का जो कमरे ध्वस्त कमरे हैं इन पर जल्दी ही काम किया जाएगा और लिखित में हमसे जानकारी मांगेगी तो हमने वो लिखित दिया है। जब जब हमसे मांगा जाता है हम तो लिख के देते हैं। तो 2 साल से बराबर दे रहे हैं तो बार बार ऐसे क्यों उनसे सवाल उठते हैं कि हर बार लिखित मांगते हैं? अब ये हम नहीं बता सकते कि हमारे स्तर है केवल हम जानकारी देना और हम अपने लिखित में हो गया और मौखिक सूचना भी दे देते हैं और जब वहाँ से कोई बजट आएगा या हमें कोई आदेश होगा तो हम उसी प्रकार कार्य करेंगे। इसमें पैसा आता है विद्यालय की विकास के लिए तो ग्राम पंचायत में आता है वो पैसा, तो उसका विकास का सारा ग्राम पंचायत स्थानीय प्राधिकारी हैं जो है वही करवाएंगे।